ऑनलाइन उपस्थित हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में रस के बारे में जानेंगे। रस किसे कहते हैं? तो रस शब्द आनंद का पर्याय है। रसवादी आचार्यों ने काव्य में रस को ही मुख्य माना है। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य के भी निर्जीव माना जाता है। आचार्य के अनुसार, कुछ आचार्यों के अनुसार, रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रस युक्त काव्य ही काव्य है। कुछ आचार्यों का मानना है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। जिस वाक्य में रसात्मक न हो, आनंद न हो, वह काव्य नहीं हो सकता। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ अलौकिक और आनंद बताया गया है, जिसे हम पढ़कर, जिसे श्रोता पढ़कर जिसे आनंदित होते हैं, उसे हम रस कहते हैं। अब हम रस की परिभाषा देखेंगे कि रस की परिभाषा क्या होती है। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। एक बार और देखेंगे, किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, फिल्म को देखकर, सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। जैसे हम कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, और उन स्टोरियों को सुनकर, उन कविताओं को पढ़कर, उन कहानियों को पढ़कर हमें अंदर जो अनुभूति की भावना होती है, जो आनंद की भावना होती है, उसे हम रस कहते हैं। कुछ काव्यशास्त्रियों का मानना है, जैसे भरत मुनि के अनुसार, जब अस्थाई भाव या संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से होता है, तब रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। रस के अंग हम देखेंगे, रस के चार अंग होते हैं। अस्थाई भाव पहला है, अस्थाई भाव दूसरा है, विभाव तीसरा है, अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब हम अस्थाई भाव के बारे में क्रमानुसार हम चर्चा करेंगे। अस्थाई भाव के बारे में देखेंगे, अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव की परिभाषा, सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है। जैसे वर्तमान में रसों की संख्या हम 10 मानते हैं, पहले 9 था, अब 10 हो गया, वात्सल्य रस में जुड़ने के कारण अब इसकी संख्या 10 हो गई है। अब रस और उसके अस्थाई भावों को हम जान लें। पहला है श्रृंगार रस। पहला क्या है 10 रसों में? पहला श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव है रत। दूसरा है शांत रस, जिसका अस्थाई भाव है निर्वेद। तीसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास है। पांचवा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। छठवां है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। और सातवां है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय है। आठवां है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। नवां है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। और दसवां है वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है वात्सल्य। पहला हम देखेंगे श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है। जिसमें श्रृंगार रस का देखेंगे कि नायक नायिका तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जैसे नायक नायिका तथा प्रेम संबंधी, नायक नायिका तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं,
पहला श्रृंगार में भी दो भेद हैं, पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? संयोग श्रृंगार में मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो हाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबे भूल गई कर टेकी, रही पलटारत नाहीं। एक बार उदाहरण और पुनः देखेंगे, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबे भूल गई कर टेकी, रही पलटारत नाहीं। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, यहाँ पर क्या है? संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार क्या होता है? जिसमें प्रियतम और प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। अगला पद, अगला हम देखेंगे दूसरा रस, हास्य रस देखेंगे, हास्य रस की परिभाषा देखेंगे। जहाँ किसी व्यक्ति की विकृत अटपटी वाणी वेशभूषा चेष्टा आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न होती है, वह हास्य रस होता है। उदाहरण में देखेंगे, जब धूमधाम से जाती है बारात, जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर मन करते धक्का दे दूल्हे को, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठी घोड़े पर सपने में ही मुझको अपनी, सपने में ही मुझको अपनी, शादी होती थी दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। हास्य रस का एक बार उदाहरण हम पुनः देखेंगे, जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर सपने में ही मुझको अपनी, शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। ये हास्य रस का उदाहरण है। अगला हम तीसरा देखेंगे करुण रस। करुण रस क्या है? इसकी परिभाषा हम जान लें कि करुण रस होता है क्या? प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त में जो विकलता आती है वहाँ करुण रस होता है। जैसे किसी वस्तु से या किसी से इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, अगर उसे नष्ट हो जाने से जो हमारे अंदर जो चित्त में जो भाव उत्पन्न होता है, जो विकलता उत्पन्न होती है, वह कारण क्या? करुण रस के अंतर्गत आता है। उसका उदाहरण भी देखेंगे हम। जैसे उदाहरण हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल की हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। अर्थात पुनः हम करुण रस की उदाहरण एक बार देखेंगे, कभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल की कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया ही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये करुण रस का उदाहरण है। अगला हम रस देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? जहाँ क्रोध नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वह रौद्र रस पाया जाता है। रौद्र मीन्स होता है क्रोधित होना। रौद्र रस जिसमें श्री कृष्ण, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा में हो गए उठकर खड़े।
एक बार हम पुनः इसको देखेंगे उदाहरण को रुद्र रस का। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करताल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रुण में मृत्यु पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये आपका रुद्ररस का उदाहरण है। अगला हम वीर रस पढ़ेंगे। वीर रस, वीर को समझ लें। वीर रस में उत्साह अस्थाई भाव होता है, उत्साह जो होता है अस्थाई भाव होता है। युद्ध में विपक्षी को देखकर ओजस्वी वीर गीतों को सुनकर तथा उत्साहवर्धक क्रियाकलापों को देखने से यह रस जागृत होता है, इसे हम वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। यह वीर रस का बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। वीर रस मतलब होता उत्साह। और उदाहरण एक बार पुनः हम देखेंगे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। आज हम रस में हम पांच रसों के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम रौद्र रस, वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस। इन रसों को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। और बचे हुए जो रस का अगले हम वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।